हेलो, मेरा इंटरव्यू। फोन कहाँ है? तू डेड पड़ा हुआ है? शुक्र है 6 बज रहे हैं। ये तो रुकी हुई है, अभी इसकी सैलरी को होने पे। ये ले दादी, लग गया टीवी और ये लग गया आपका न्यूज चैनल। मानती है ना फिर जानी को? आवाज तो बढ़ाओ। ये ले दादी, अब आवाज आ रही है ना। जानी, ये तुम्हारे आईब्रोज कितने अजीब हो रहे हैं। तुम कहो तो शेप बना दूं। आजकल तो लड़के भी आईब्रोज बनवाते हैं। अरे एक मिनट दादी, यहाँ ना मेरी आबरू मुश्किल में है और आपको आईब्रोज की पड़ी है। अगर कुछ बनवाना है ना तो मेरा शिनाख्ती कार्ड बनवा दे, जो ज्यादा जरूरी है। वो तो मैं नहीं बनवा सकती। बहरहाल जानी, एक कप चाय मिलेगी मुझे? मना करूंगा तो कौन सा जान छोड़ देंगी। लाता हूँ। वैसे आप लोगों ने अपने मुलाजिम को बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। घर का मुलाजिम नहीं है, घर के फर्द की तरह ही है। ये तो आपका बड़ापन है जो इस तरह से सोचते, वरना उसकी कमजोरी तो जरा मुलायजा करे। क्या सुबह सुबह बुलवाने की क्या जरूरत थी? नहीं, 12 बजे बीना भाभी के अपॉइंटमेंट था, तभी आ जाती। उसी के घर ही तो जा रहे हैं। आज शाहिदा की बरसी है ना, इसीलिए तो। वैसे संजीदा, मैं सोच रही थी तुम्हारी तो इतनी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, तुम सारा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो ना। ये शादी करवाएगी सारा की? अरे इसकी तो अपनी शादी नहीं हुई अभी तक। कब से काम कर रही है, कब से देख रही हूँ मैं इसे। जब से छोटी सी थी तब से ये काम शुरू किया है। वैसे एक बात बताऊं संजीदा, जवानी तो जैसे तैसे गुजर जाती है, लेकिन बुढ़ापा निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए रिश्ता देखूं। खाला, मुंह पे मास्क लगाए बात मत करें। संजीदा मैं सच कह रही हूँ, कहो तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूं। आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है, मुंह बंद रखें। वो मास्क लगा हुआ है ना तो छुरियां पड़ जाएंगी। कहाँ रह गई थी सबा, कब से इंतजार कर रही हूँ मास्क उतारने का वक्त हो गया है। अरे मेरा